हेलो बच्चों, वेलकम टू सार क्लासेस। अभी किस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट सेकंड होगा ये। पहले पार्ट में हम लोगों ने पहले से लेकर के 8वें क्वेश्चन तक देख लिया था, आज हम लोग 9 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक मीनार है और एक भवन है, दोनों आमने सामने इस तरीके से हैं, ठीक है। मैंने ये मीनार बना दिया और ये भवन बना दिया, ठीक है, दोनों आमने सामने। अगर मीनार के जड़ से देखा जाए, जड़ को पाद लिखा जाता है, ठीक है, तो जड़ से देखा जाए तो ये भवन के जड़ से देखा जाए तो मीनार का शीर्ष देखने के लिए इसको 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, मतलब कि उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। और इसी तरीके से मीनार के जड़ से भवन का शीर्ष जब देखते हैं तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। साथ ही साथ एक चीज़ और दिया हुआ है, वो ये कि मीनार का जो ऊंचाई है वो कितना है, 50 मीटर है, तो आप लोग भवन का ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो जो निकालना है उसे आप लोग मान लीजिए कि माना कि भवन की ऊंचाई उसको हम लोगों ने h मान लिया, ठीक है, मान लीजिए h लिख लीजिए, तो निकलेगा कैसे, ठीक। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कैसे, देखो ये वाला जो ब्लू वाला त्रिभुज है इसमें कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन काला वाला को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक भुजा दे रखा है। तो इस एक भुजा के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भुजा निकाल लेंगे, और ये वाला भुजा जैसे ही निकल जाएगा तो पता चलेगा कि ये जो भुजा है वो ब्लू वाले त्रिभुज में भी है, ठीक है। तो फिर ब्लू वाले त्रिभुज का एक भुजा पता हो जाएगा और कोण पता है ही है, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम दिमाग में टारगेट सेट हो गया कि हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। और ये कैसे निकलेगा, तो ये इस त्रिभुज की मदद से निकलेगा, यानी कि ए बी सी, और इसका नाम दे देते हैं डी। तो पहले ए बी सी से चलते हैं, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ये वाला चीज अगर थीटा है तो इसके सामने का ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार में जो संबंध बताता है वो कौन सा थीटा है, टैन थीटा, और कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री बराबर कितना, ए बी और बटे में कितना, बी सी, ठीक है। टैन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3, ए बी का मान कितना है 50, और बी सी का मान कितना है हम लोगों को पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं, तो लिख दिया x। तो यहाँ से अगर आप इसके नीचे 1 है तो इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3x, और 50 में 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो इस तरीके से x बराबर कितना हो जाएगा, 50, और बटे में कितना, रूट 3, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए ये वाला चीज़ आपको पता हो गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी डी से चलेंगे और ये पता कर लेंगे, क्योंकि ये पता है। अब देखो ध्यान से, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब निकालना है, आधार आपको पता है, तो लंब और आधार में जो संबंध बताए वो कौन सा थीटा है, टैन थीटा है। तो एक बार फिर से आप लोग टैन थीटा लगाओगे और लिखोगे त्रिभुज बी सी डी में, मतलब कि बी सी डी में टैन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है सी डी और आधार कितना है बी सी, ठीक है जी। अब देखिए टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, और सी डी का मान कितना है, तो ये तो निकालना ही है, और बी सी का मान कितना है, तो बी सी अभी फिलहाल x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x का मान फिर हम लोग रख देंगे, ठीक है। अब तिरछा गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 3h, और x को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x, हमको h पता करना है, तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, h बराबर हो जाएगा x और बटे में कितना, रूट 3, ठीक है। अब देखिए x का मान आप लोग रख सकते हो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि h बराबर x का मान कितना है, 50 और बटे में रूट 3, और ये वाला बटा के लिए ये बड़ा सा बटा लगाया, इसके बटे में कितना है, रूट 3, और इसके बटे में भी तो एक होगा ना, जब कुछ नहीं रहता है तो कितना रहता है, एक रहता है, लिख दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50/√3, ये वाला एक चल जाएगा ऊपर और ये रूट 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं 50 में एक से गुना होगा तो 50, रूट 3 और रूट 3 गुना होके कितना हो जाएगा, 3, और अगर इसको आप लोग पूर्णांक में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3 मीटर आंसर, ठीक है। तो इजी सा सवाल था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है और सड़क के दोनों तरफ दो खंभे लगे हुए हैं जो कि समान ऊंचाई के हैं, ठीक है, दोनों बराबर ऊंचाई के। तो हमने मान लिया कि एक खंभा यहाँ पे है ये, और एक खंभा इस तरफ है, तो इसको हम ब्लू से लिख देते हैं। और दोनों का जो ऊंचाई है वो क्या है, समान ऊंचाई का है, बराबर डिस्टेंस का है, ठीक है। तो अगर आप इसको एच मानते हो तो ये भी कितना है, एच ही है, ठीक है जी। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, वो ये कह रहा है कि सड़क के किसी भी एक बिंदु से, मान लीजिए कि इस बिंदु से अगर हम इसके शीर्ष को देखते हैं तो इसका शीर्ष का जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री, ठीक है, और अगर इसके शीर्ष को देखते हैं तो कितना बनता है, 60 डिग्री। अब आप लोग कहोगे सर आपको कैसे पता कि यही वाला पर 30 डिग्री बन रहा है और ये वाला पर 60 बन रहा है, है ना, दिमाग में आता है ये सब सवाल। तो बच्चों आप लोग इसमें 30 बना लो उसमें 60 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कि दोनों खंभा का लंबाई कितना है, साथ ही साथ ये वाला डिस्टेंस कितना है बिंदु से और ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो इसको अगर आप एक्स मान लेते हो, इसको x मान लेते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देख करके बताइए आप लोग कि कितना हो जाएगा। देखिए टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 80 है, उसमें से ये वाला चीज़ x है, तो ये कितना बचेगा, मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 मीटर लंबा एक रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तब ना दोनों जोड़ के 100 हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रहा है। 100 मीटर लंबा था, उसमें यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 20 हटा दीजिए तो ये कितना बचेगा, 80। तो उसी तरीके से टोटल 80 है, उसमें से x हटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 80 माइनस x बचेगा, ठीक है। इतना सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए निकालना क्या क्या है, एक बार मैं फिर से ज़रा बता दूँ कि हाँ, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो खंभा निकालने के लिए कह रहा है, फिर दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज से, इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी ई। पहले ए बी सी से चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला चीज हमने मान रखा है और ये भी चीज मान रखा है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि ये ठिट्टा है तो ठिट्टा का सामने वाला लंब होता है, तो लंब और आधार में जो संबंध बताए वो कौन सा ठिट्टा होता है, टैन ठिट्टा। तो हम लोग लिखेंगे टैन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी और बटे में कितना हो जाएगा, बी सी। टैन 60 डिग्री का मान पता है हम लोगों को, रूट 3 होता है। ए बी हम लोगों ने एच मान रखा है और बी सी कितना मान रखा है, एक्स मान रखा है। तो यहाँ से अगर आप तिरछा गुना करोगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच को एक से गुना करेंगे तो एच रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा, रूट 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया, ये जो संबंध मिला है ना ये बड़ा काम का संबंध है, ये बहुत हम लोग इस्तेमाल में लेंगे इसको। अब देखिए फिर हम लोग अब वो वाला त्रिभुज से चलेंगे, तो उस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज डी ई सी से, या तो मैं भी लिख सकते हैं, कौन सा, ये 30 डिग्री है और ये अगर थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे कि लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, टैन थीटा, यानी कि टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है डी ई और बटे आधार, आधार कितना है सी ई, तो लिख दिया सी ई। टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और डी ई का मान कितना है एच और सी ई का मान कितना है 80 माइनस एक्स। अब तिरछा गुना कर देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3h, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या रख सकते हैं, h का मान रख सकते हैं √3x, h के जगह पर रख सकते हैं ना √3x, तो हम लोग वो वाला मान रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स और ये वाला साइन आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है, ये वाला साइन, इसको मतलब इसका मतलब होता है या, तो 80 माइनस एक्स बराबर √3 इंटू एच के जगह पर क्या लिखेंगे, √3x, तो लिख दिया √3x। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 80 माइनस एक्स √3 और √3 गुना होकर 3 हो जाएगा और साथ ही साथ x। अब ये वाला चीज इस तरफ जाएगा तो इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा 80 इज इक्वल टू इस तरफ 3x पहले से था, माइनस वाला x इधर गया, क्या हो गया, प्लस में x हो गया, तो कितना हो गया,
80 इज इक्वल टू 3x और x जुड़ के कितना हो गया 4x, ये से ये कट जाएगा 20 बार में, तो उस तरफ बचा x और बराबर में कितना बचा 20। तो देखो ये वाला चीज कितना आ गया 20। अब एक बात बताओ, ये वाला अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा 80 में से 20 माइनस हो जाएगा, 80 माइनस x मतलब 80 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 60। तो लिखेंगे कि अतः बिंदु से खंभों की दूरी बराबर कितना है 20 है और कितना 60। 20 हम लोगों ने निकाला और फिर 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना 60 मीटर में लिख देना, 20 मीटर और 60 मीटर। तथा खंभा का ऊंचाई भी तो पूछ रहा है, तो खंभों की ऊंचाई, अब खंभों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों खंभा का ऊंचाई एक ही जैसा है और वो हम लोगों ने क्या माना था h माना था, और h बराबर कितना है, h बराबर है रूट थ्री और गुने में x, तो x के जगह पर हम लोग कितना निकाले हैं 20, तो कितना हो जाएगा 20 रूट थ्री मीटर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक नहर है और उसके किनारे पे किसी एक तट पे एक टीवी का टावर खड़ा है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया टीवी का टावर, बुक में भी दे रखा है यहाँ पे डायग्राम, ये टीवी का टावर है। और कहता है कि नहर के दूसरे किनारे से, तो ये जो बीच में है ना ये वाला चीज जो है वो क्या है नहर है, तो इसके दूसरे तट से अगर हम इस टीवी टावर के छत को देखते हैं तो ये जो कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, इसको देखने पे 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 ही का बनता है, मैं जरा देख लूँ, हाँ 60 डिग्री का बनता है। फिर कहता है कि इसी सीध में, ये जो रेखा है इसी सीध में इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे एक और बिंदु है, और इस बिंदु से जब इस टीवी टावर के शीर्ष को देखते हैं तब 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इतना आंकड़ा दिया हुआ है। इसके साथ आप लोगों से दो सवाल पूछा गया, पूछा है कि नहर की चौड़ाई यानी कि ये बताओ और फिर टावर की ऊंचाई यानी कि ये बताओ। ठीक है, तो मैंने माना कि टावर की ऊंचाई h है और नहर की चौड़ाई क्या है एक्स है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिभुज है, देखो यहाँ पे नहर टावर सब खत्म, हमारे लिए क्या है एक समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज एक ही में है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, पहले आप लोग ए बी सी में चलोगे फिर ए बी डी में चलोगे। ठीक है, पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलिए, तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला चीज हमें मान रखा है हमने और ये वाला चीज निकालना ही है, तो इन दोनों में संबंध चाहिए, तो इस थीटा के हिसाब से ये लंब है और ये क्या है आधार है, तो लंब और आधार में जो संबंध बताता है वो कौन सा थीटा है टैन थीटा, और कितना डिग्री 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच और बटे में कितना एक्स, बोले तो लंब बटे आधार, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखिए टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट थ्री इज इक्वल टू h और बटे में कितना है x, अब इसके नीचे एक है तो h को इससे गुना करेंगे तो h रह जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट थ्री एक्स। चलिए ये दोनों में तो संबंध पता चल गया, अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए, कौन सा ए बी डी में, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में कौन सा ये वाला ले लीजिए, ये थीटा है तो इसके हिसाब से ये तो लंब हो जाएगा, जब बड़ा त्रिभुज लेंगे ना तो मान के चलेंगे कि ये वाला भुजा है ही नहीं, ये गायब हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आधार, तो टैन कितना डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि लंब और आधार में ही संबंध है, तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी और बटे आधार कितना है बी से लेके डी तक, तो लिख दिया बी डी। अब टेन 30 डिग्री का मान मैं यहाँ लिख दूँ, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ये वाला साइन लगाइएगा जरूर, मैं थोड़ा दूर पे लिख दे रहा हूँ ये साइन, इसका मतलब होता है या 1/√3 और ए बी का मान हम लोगों को पता नहीं है, उसको एच मान रखा है और हाँ B से D आना है, तो B से चलना चालू किया, पहले हम लोग B से C तक चले तो पता चला कि कितना है X है, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना चलेंगे 20 और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो B से D टोटल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक चला तो X और फिर यहाँ से यहाँ तक चला तो 20, तो टोटल कितना X प्लस 20, तो लिख दिया X प्लस 20। अब आप लोग तिरछा गुना कर सकते हैं, X प्लस 20 को 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 20 ही रहेगा और इसको रूट तीन से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा रूट थ्री
एच। अब देखिए एच का मान यहाँ से हम लोग रख सकते हैं उसमें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स प्लस बीस इज इक्वल टू ये क्या है रूट थ्री, और एच के जगह पर हम लोग रखने वाले हैं रूट थ्री एक्स। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बीस बराबर रूट थ्री, और रूट थ्री गुना होकर कितना हो जाएगा थ्री, और साथ ही साथ कितना है एक्स। ये वाला एक्स को भी इस तरफ भेज देंगे तो इस तरफ क्या बचेगा बीस बराबर, इस तरफ पहले से तीन एक्स था प्लस वाला एक्स इधर गया क्या हो गया माइनस हो गया। तो अब देखो अब क्या हो गया बीस इज इक्वल टू तीन एक्स में से एक्स चला गया तो कितना बचा दो एक्स, ये से ये कट गया दस बार में, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना बचा 10 मीटर। ठीक है तो ये जो नहर की चौड़ाई आ गया वो कितना 10। हाँ अब जरा मीनार का ऊंचाई निकालते हैं या तो जो भी कह सकते हो टावर का, तो टावर का ऊंचाई कितना है h बराबर कितना है रूट थ्री एक्स लिखेंगे, इसलिए h बराबर रूट थ्री और x के जगह पर कितना आया है 10, तो ये लिख दिया तो लिख देंगे 10 रूट थ्री मीटर। लास्ट में लिखेंगे कि टावर की ऊंचाई बराबर 10 रूट तीन मीटर और नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, और इसको आप लोग ऐसे एक बॉक्स में बंद करके आंसर लिख दीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, सवाल है कि एक टावर है केबल टावर है उसको एक 7 मीटर ऊंचे भवन पे बैठा एक इंसान देख रहा है। ठीक है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो जब ये टावर के शीर्ष को देखता है तो इसको क्या है अपना नज़र को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है, और जब नज़र ऊपर उठता है तो कौन सा कोण बनता है उन्नयन कोण बनता है। तो ये जो कोण बनता है पहले मैं इसका दृष्टि बना दूं कि इसका दृष्टि रेखा ऐसे अगर रहता तो कितना रहता इस तरीके से, तो कहता है कि ये जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का, और जब ये इंसान इसके जड़ को देखता है तब जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है 45 डिग्री का, और ये जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा जब कोई इंसान ऊपर से नीचे देखता है तब जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण ये वाला को कहते हैं, ये दृष्टि रेखा हो गया नीचे देखने पे जो कोण बना उसे क्या कहते हैं अवनमन कोण, ये बनता है 45 डिग्री का। अब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों इतना समझ में आ गया, तो क्यों ये समझ में आ रहा है ना क्यों 45 है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वाला वीडियो जो थ्योरी मैंने पढ़ाया है वो जरूर देख लीजिए समझ में आ जाएगा। अब आगे दे रखा है इतना करने के बाद कहता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। ठीक है तो टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा, सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये ए बी सी और ये क्या है डी है, इसको कुछ देर के लिए ई मान लीजिए। ठीक है इतना काम हमने कर दिया। अब देखिए ये वाला अगर 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, कहाँ ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब अगर कहीं से हमको ये पता चल जाए डी से ई पता चल जाए तो 7 में उसको जोड़ देंगे तो टोटल टावर का ऊंचाई पता चल जाएगा। ठीक है अब वो वाला चीज़ कैसे पता चलेगा, ये चीज़ कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे, और त्रिकोणमिति का अनुपात लगाने के लिए कम से कम एक भुजा पता होना चाहिए, तो इसका तो हमको एक भी भुजा पता नहीं है। ये कौन सा त्रिभुज में है जी डी ई, कौन सा त्रिभुज में है, ये वाला त्रिभुज में है ये वाला त्रिभुज में, और इसका एक भी भुजा हम लोगों को पता नहीं है, तो पहले एक भुजा पता करना पड़ेगा। और ये वाला भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो भुजा निकालेंगे इस त्रिभुज से, कौन सा ए बी सी से, ए बी सी में ये दे रखा है 7 मीटर दे रखा है, बढ़िया से ये मीटर गया 7 मीटर दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला निकालेंगे। अब जितना ये होगा उतना ही ये होगा क्योंकि ये और ये दोनों क्या है बराबर है, बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले ए बी सी से चलेंगे ये निकालेंगे, और ये इसके बराबर है इसलिए इसको भी उतना ही लिख देंगे, और फिर इसके मदद से ये निकालेंगे, और जैसे ही ये निकल जाएगा तो इन लोग दोनों को जोड़ देंगे पूरा टावर का ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है तो आइए करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब और आधार में कौन संबंध बताता है टैन थीटा, तो टैन 45 डिग्री बराबर ए बी और बटे में बी सी। ठीक है टैन 45 का मान 1 होता है, ए बी कितना दे रखा है 7, और बी सी को अगर आप एक्स मानते हो या तो बी सी ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा,
लिख दिया। अब लिखेंगे कि चूंकि ए ई, ए ई बोले तो ये ए ई, ये बराबर है किसके, बी सी के, इसलिए ए ई भी कितना होगा, अब बी सी जो है इसके बराबर है और बी सी खुद अपने 7 मीटर आया है, तो ए ई भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, ए डी ई में, इसमें चलेंगे और ये पता चल गया कि ये 7 मीटर है, तो ये वाला निकाल लो, जैसे ही ये निकल जाएगा वैसे ही दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब कौन सा त्रिभुज में चल लेते हैं, ए डी ई में, तो त्रिभुज ए डी ई में, ये देखो ठिट्टा है तो ये हो जाएगा लंब, लंब और आधार पता है, तो लंब और आधार यानी कि कौन सा ठिट्टा, टैन ठिट्टा, टैन 60 डिग्री बराबर डी ई और बटे में कितना ए ई। अब टैन 60 डिग्री का मान होता है √3 और डी ई का मान कितना है, ये तो हम लोग को निकालना है, तो डी ई को डी ई छोड़ देते हैं, आप चाहो तो कुछ मान भी सकते हो, और ए ई बराबर कितना है, 7 है, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है, तिरछा गुना करेंगे तो डी ई को 1 से करेंगे तो डी ई रहेगा, 7 को √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√3 मीटर। अब ये निकल गया, अब आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों को जोड़ दो, लिखेंगे इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर, टावर का ऊंचाई क्या हो जाएगा, सी ई और प्लस दे करके डी ई, तो लिखेंगे सी ई प्लस ई से कहां तक, डी तक, अब सी से ई तक कितना है, 7 मीटर है, और प्लस ई से डी तक कितना है, अभी हम लोग निकाले हैं, ई से डी बोलो या डी से ई बोलो बात तो बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। अब दोनों में ही 7 कॉमन है तो कॉमन कर दीजिए, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से √3 बचेगा, इतना मीटर, ठीक है। आप लोग इसको और क्या लिख सकते हो, ये आंसर है लेकिन थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, सजा के लिखने का क्या मतलब है कि √3 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया, बोलोगे दोनों में फ़र्क क्या है, तो बस अच्छा लग रहा है और कोई फ़र्क नहीं, जैसे राम सीता बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, सीताराम बोलने में मज़ा आता है ना, तो बस यही है, तो ये हो जाएगा मीटर और ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है बच्चों।